Hello student, welcome to your online class from Maharaja Agarsal Public School. Today we will read chapter 12, Clean Surroundings. हमारे चार आसपास के चारों तरफ की सफाई. और मैंने कल आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज टॉपिक के बारे में बताया था, लेकिन आज भी मैं थोड़ा सा उसको साथ लेते हुए चलूँगी. तो बेटा, कल हमने इस विषय पर चर्चा की थी. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर दोज विच डू नॉट रोट इजली. ऐसा वेस्टेज मटेरियल जो जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, दे रिमेन इन द एनवायरमेंट सच एज गेस आर. और जो हमारे ये क्या है, ये हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं. तो मैंने कल आपको ये भी शायद बताया था कि घर में सभी लोग घरों में दो तरीके के डस्टबिन रखे हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन. और ग्रीन में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल के पीलर्स हो गए, चाय पत्ती हो गई, या आपकी वेस्ट जो रात की बासी सब्जी खराब हो जाती है वो हो गया, मतलब लिक्विड कोई भी, वो आप ग्रीन कलर के डस्टबिन में डालेंगे. और ब्लू में जो आपका प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, इस तरीके के जो वेस्ट मटेरियल है वो आप डालेंगे. और उसके बाद जो जो तुम्हारे वेस्ट मटेरियल लेने के लिए जो वाहन आएगा, आप उसमें आजकल वैसे भी सभी गली मोहल्लों में ये वाहन चल रहा है, आपको पता है नगर पालिका की तरफ से, तो आप उसमें डालेंगे. और इसमें से क्या होगा, ग्रीन जो ग्रीन बॉक्स वाला, ग्रीन डस्टबिन वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो आप ग्रीन डब्बे में डालेंगे, और जो ब्लू वाला वेस्ट मटेरियल है वो ब्लू में डालेंगे. तो क्या है, ग्रीन वालों की तो आप लोग नेचुरल फर्टिलाइज बना, हम बना लेते तो वैलेंट बन गए, यदि हम नहीं बनाते तो वो लोग बनाएंगे और किसानों की इससे हेल्प होगी. और जो ब्लू डस्टबिन वाला हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसमें से जो सामान रीयूज हो सकता है उसको वो रीयूज कर लेते हैं, और जो रीयूज नहीं होता उसको किसी बड़ी गाड़ी में बहुत सारे छोटे को दबाकर शहर के बाहर ले जाकर ऐसी जगह मिट्टी में दबा देते हैं ये वातावरण को, जिससे दूषित ना हो. अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल का वेस्ट. तो बेटा, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि गली मोहल्लों के कूड़े को सुपर इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देता है, और नगर पालिका की गाड़ी आती है उस कूड़े को घर पर ले जाती है. उसमें से जो, और उसकी भी गाड़ी इसी तरीके से होती है, लेकिन उनकी गाड़ी बड़ी होती है. जो ग्रीन डब्बे वाला मटेरियल होता है उससे फर्टिलाइज, नेचुरल फर्टिलाइज बनाई जाती है, प्राकृतिक जो खाद है, खाद है, और जो किसान के काम आती है, मीन्स केंचुआ खाद जिसको बोलते हो तुम, है. और जो ब्लू डब्बे वाला मटेरियल होता है उसमें से जो सामान रीयूज हो सकता है उसको रीयूज किया जाता है, और जो रीयूज नहीं होता उसको शहर के बाहर ले जाकर किसी गड्ढे में दबाकर ऊपर से मिट्टी की परत से उसको ढक दिया जाता है. अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द डिस्पोज ऑफ इन इट एंड देन कवर्ड विद द सोइल. यहाँ तक तो बच्चों मैंने आपको करा दिया. दिस वेस्ट गेट कन्वर्ट इन टू द कम्पोस्ट विच कैन बी यूज एज ए मैन्यूअल. और दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड कम्पोस्टिंग, एंड दिस पिट इज नोन एज द कम्पोस्ट पिट. It is a very good method of disposing biodegradable wastes. देखो बेटा, biodegradable wastes का मैंने आपको सारा सारांश अभी बताया है कि जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं, चाय पत्ती होती है, हमारी वेस्ट रात की बासी दाल सब्जी होती है, उससे इकट्ठा करके के जो खाद बनाते हैं और किसानों के काम आते हैं. मैंने अखबार को हिंदी में शॉर्ट करके स्पष्ट बता दिया. और जो दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है उसको रीयूज करके, जो सामान उसमें से रीयूज हो जाता है, जैसे पेपर है उनको हम रीयूज करके रफ रजिस्टर वगैरह बना
जो कि यूज़ भी नहीं होते उनको शहर के बाहर वाटर में उसको डालकर उसको मिट्टी के ऊपर से ढक दिया जाता है, जिससे कि वो वातावरण को दूषित ना करें। इसका मेन यही है। ट्रीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, सो वी शुड ट्राई कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन एंड ट्राई टू मैनेज इट बाय द प्रैक्टिस द ट्रीज। These are reduce, reuse and recycling। देखो बेटा, जो हमारा अभी मैंने पूरा इसमें यही है कि जो हमसे reuse हो सकता है उसको हम, जो हमसे reduce हो सकता है उसको हम reduce करें। पहली बात तो हम कोशिश करें कि इस waste material को कम से कम, जितना हमसे कम से कम हो सकता है उसको हम waste में कम डालें, और वेस्ट में जो हम रेड्यूस कर सकते हैं उसको रेड्यूस करें, जो रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करें, और इसके बाद जो रीसाइक्लिंग कर सकते हैं उसको हम रीसाइक्लिंग करें। नंबर वन है रिड्यूस। इट मींस टू रेड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी मैंने बताया ना कि इसको हम तीन तरीके से, इसके क्या है जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है उसको हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। नंबर वन टॉपिक है हमारा रेड्यूस। रेड्यूस द मीन्स ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वी कैन डू सो बाय द यूजिंग क्लॉथ और जूट बैग इंस्टेड ऑफ द यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। वी कैन यूज ग्लास बोटल इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बोटल, रैपिंग योर टिफिन चपाती इन ए क्लॉथ नैपकिन एंड रेदर द यूजिंग ऑफ ए मेटल फॉइल। देखो बेटा, आप नेट पर भी सर्च मारते हो, अधिकतर यूट्यूब पर चैनल पर आपने या आपकी पेरेंट्स ने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ों के यूज हमें दे रखे होते हैं या रेड्यूज दे रखे होते हैं। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लो हमारे कोई भी कपड़े हैं वेस्ट जा रहे हैं जो हम नहीं पहनते, कपड़ों पर से शुरू करते हैं, जो हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं वेस्ट हो जाते हैं, तो उसका क्या करते हैं कई लोग, तो उससे आपने देखा होगा मार्केट में भी सेल होता है, सेल मतलब शॉपकीपर जो होते हैं वो खरीद लेते हैं, उससे वो दरी या खेस वगैरह देते हैं उसके बदले में, और वो उसको वहाँ पर दरी या खेस बनाकर उसका रिड्यूस कर लेते हैं, उसकी नई चीज़ बन जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि घरों में जो हमारे वेस्ट कपड़े होते हैं कोई कुशन कवर बना सकते हैं, या इस तरीके से मेरे कहने का मतलब आपका ये है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको रेड्यूस हम इस तरीके से कर सकते हैं, समझ आए। इसके बाद है रीयूज। रीयूज मीन्स यूजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट अगेन। वी कैन डोनेट आवर ओल्ड क्लॉथ। देखा, ये तो बेटा रीयूज, सॉरी मैंने आपको ये रीयूज का बता दिया, लेकिन मैं आपको रेड्यूस का बता देती हूँ पहले कि रेड्यूस में क्या है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल नहीं होता, जैसे वी कैन यूज ग्लास बोटल इंस्टेड द प्लास्टिक बोटल, रैपिंग योर टिफिन चपाती एंड क्लॉथ नैपकिन। जो हमारे पास वेस्ट कपड़े नहीं होते या नए कपड़े होते हैं, है ना, तो उसको हम यूज़ कर कैसे कर सकते हैं। मान लो घर में वेस्ट नया हमारा पैंट का पीस है या शर्ट पीस है, उसको हम अपना क्या बोलते हैं इसको, उसको हम किसी भी तरीके की कोई ड्रेस बनाकर यूज़ कर सकते हैं, हैं। और इसी तरीके से मान लो कोई वेस्ट है, होटल वेस्ट जा रही है, उसको हम फ्लावर पॉट बनाकर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी। ऐसे ही रिसाइकलिंग का देखिए। Recycling is the process by which waste materials are used to make the new things। Recycling का मतलब है कि जो हमारी वेस्ट चीज़ है उसको हम नए तरीके से यूज़ करें। Discard product like newspaper, magazine, etc. can be collect the proceeds into the new paper product। देखो recycling का क्या है कि जो हमारे वेस्ट न्यूज़पेपर होते हैं उनको गला कर उनका एक रफ पेपर, रफ रजिस्टर, आपने देखा होगा यदि हम कोई भी
रजिस्टर या नोटबुक लेने जाते हैं, कुछ के पेज एकदम वाइट होते हैं और कुछ के पेज ब्राउनिश में होते हैं। वो ब्राउनिश वाले जो होते हैं बेटा, वो रिसाइकलिंग करके पेज बनाए जाते हैं, तो जिनको तुम रफ रजिस्टर बोलते हो। समझ आया? और इसी तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट द लाइक प्लास्टिक, इसी तरीके से प्लास्टिक को, ग्लास को, शीशे, कांच को, रबड़ को आदि को हम रिसाइकलिंग करके नई चीज़ बना लेते हैं। तो बच्चों आप ये देखें कि हमें जो हमारा कूड़ा है वो भी हमारे काम का है, मीन्स हमें उसको इस तरीके से बाहर नहीं जलाना चाहिए, या तो हमें खुद यूज़ करना चाहिए उसका, रीयूज़ नहीं कर सकते तो आप जो वेस्ट स्वीपर होता है उसको दो गोले जाकर अपना इस उसका रीयूज़ कर लो, या यूज़ के द्वारा रिसाइकलिंग के द्वारा उसको यूज़ कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसमें पूरे चैप्टर में वेस्ट मटेरियल का रेड्यूज, रीयूज और रिसाइकलिंग के बारे में आज आपको मैंने पढ़ाया। तो बच्चों हमें अपने घर को, अपने घर के आसपास की जगह स्थान को साफ रखना है, और जो वेस्ट मटेरियल है कोशिश करें आप घर में ही यूज़ करें। नहीं कर सकते तो आप जो हमारी स्वीपर होता है उसको दें, और उसके द्वारा उन वेस्ट मटेरियल में जाकर वहाँ पर वो लोग रीयूज़ करके उसको कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें कि पॉलिथीन इकट्ठा करके बाहर उसको जलाएं, उससे रिसाइकलिंग गैस निकले और हमारा वातावरण दूषित हो। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है? आपने देखा होगा कि पॉलिथीन से भी कई लोग पॉलिथीन काट काट कर उसमें से आसन बना लेते हैं, जो घरों में बैठने के लिए काम आता है। तो ये भी हमारा एक वेस्ट मटेरियल का रीयूज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।